अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पना मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, इंशाअल्लाह हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा, 6 तारीख को बीदर और 8 तारीख को रायचूर में मिलेंगे इंशाअल्लाह। और ये वीडियो ना कि सिर्फ किडनी पेशेंट्स के लिए है, बाकी के हर एक इंसान के लिए, हर एक आदमी के लिए है। ये वीडियो गौर से देखो, अपने किडनियों को कैसे बचा के रखना। 4 गोल्डन रूल्स बोल रहा हूँ मैं अभी। ये रूल्स इंशाल्लाह अगर आप अपनी ज़िंदगी में ले लेंगे तो हमेशा किडनी के बीमारी से बच के रहेंगे। और आपके बॉडी में कौन से भी पार्ट में आपको प्रॉब्लम हुआ तो वो किडनी को इफ़ेक्ट करता। तो 4 रूल्स, पहला रूल्स है हाइपरटेंशन, बीपी और शुगर। अगर देखो, शुगर के यूजुअली पेशेंट्स अगर उन्होंने ज़्यादा सोचे, टेंशन में आए तो उनकी शुगर बढ़ जाती है। नहीं तो शुगर और बीपी इसे कंट्रोल में रखो। टेंशन, गुस्सा, डर, इन चीज़ों से क्या होता, बीमारी की शुरुआत होती। समझ में आ रहा, बीमारी की शुरुआत होती टेंशन से, डर से, गुस्से से। है नहीं, मुझे शुगर आ गई तो डेफिनेटली से शुगर आई सोच, मुझे शुगर नहीं है, मैं अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह करके बोले अस वाला 400 भी रंदे शुगर आइसक्रीम खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। तो दिमाग को एक सेट कर लियो, टेंशन नको लियो, गुस्सा नको करो, ठीक है ना। आज माँ बाप बच्चों से डर रहे, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह बोलती, अल्लाह किसी बात कोई इबादत के लायक नहीं बोलते, अल्लाह किसी बात किसी से डरना नहीं करती, फिर अपने बच्चों से डरती, काम घर से बाहर कर देती इनकी। घर से बाहर करना, अंदर करना, ये अल्लाह के हाथ में है। समझ में आ रहा। तो सिर्फ और सिर्फ डरो अल्लाह ताला को, पहली बात। तो दूसरा टिप्स है एनिमल इंटेक, गोश्त खाना कम करो, ज़्यादातर फ्रूट्स और तरकारियाँ खाते रहो, इंशाल्लाह हमेशा सेहतमंद रहेंगे। आज नहीं, हमने केजियाँ का गोश्त होना आज हमने दावतान छोना है नहीं, और बासन में डीसा में टुकड़े छोना हमने, नहीं कहता हमने खाना जाता नहीं अंदर हल्लाख के, चिकन नहीं तो है ना खाना नहीं, वो दस्तर खान का तो टुकड़े इसके वजह से बोल रहा हूँ, खाओ गोश्त, नहीं नहीं एक टुकड़ा, 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, बस 30-30 टुकड़े, 40-40 टुकड़े, मौत की निशानी है। समझ में आ रहा। तो गोश्त वगैरह कम खाओ, खाओश को नहीं बोल रहा हूँ मैं, सबको बोल रहा हूँ, ये किडनी पेशेंट्स को नहीं, किडनी पेशेंट्स का अलग है, ठीक है ना, किडनी पेशेंट्स का अलग है डाइट प्लान। तो ये सबके लिए, ये करेक्ट से फॉलो अप कर लेंगे तो इंशाल्लाह बीमार कभी नहीं होंगे। दूसरा टिप बोला, तीसरा जो है 2 लीटर तो पानी पीना, हाँ दिन में, ठीक है ना, दिन में 2 लीटर तो पानी पीना। देखो फ्रूट्स और तरकारी में पानी फ्लूइड ज़्यादा रहता, ठीक है ना, फ्रूट्स का लगड़ा हो, हाँ जो है सेब हो, है नहीं, ये सब अपनी सेहत के लिए अच्छे चीज़ें हैं, ये चीज़ें खाओ। और पानी एटलीस्ट 2 लीटर तो डेली पियो, खाने से आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद कभी भी अच्छा पानी पी सकते, बीच बीच में पिए तो गैसेस होने के चांसेस रहते हैं और गैसेस बीमारियों की शुरुआत है। समझ में आ रहा। तो पानी 2 लीटर तो पियो। हाँ, और चौथा टिप क्या है, जो है आप एलोपैथिक के गोलियां, जो भी अब थोड़ा दर्द हो गया तो गए कि नहीं डाइक्लोफेनाक एसिटोफेनाक खा लेते, दर्द के गोलियां खा लेते, शादी जो रूह को खुश करने सेक्स के गोलियां खा लेती हैं हाई डोज के, ये सेक्स के गोलियां, ये दर्द के गोलियां, ये नींद के गोलियां, ये गोलियां आपकी किडनियों को ठक मारती। समझ में आ रहा, ये गोलियां से भी परहेज करो, दर्द के गोलियां नेचुरल तरीके से। दर्द क्यों कंट्रोल करना, मैं मेरे पिछले वीडियोस में बता के हूँ, दर्द का तेल और दर्द का पाउडर कैसा बना लेना, खट्टे चीज़ों से परहेज कैसा करना, ये भी बोलूँ, ठीक है ना। तो ये एलोपैथिक दवाइयाँ भी आपके बीमारी का एक सबब बन सकते। समझ में आ रहा। और एक टिप्स लास्ट जो है, टबैको, अल्कोहल, सिगरेट्स,
हाँ, इससे भी जो है किडनी को इफेक्ट होता फॉर श्योर। कम उम्र 18 साल 19 साल दम्मो ना थिंग दम मरती, अरे दम नहीं तो चलता नहीं, चाहिए नहीं कहीं नहीं, ये पूरा आदत में ले ली हमें। हाँ अभी स्ट्रेस को कौन, तभी बड़े बड़े लोग हैं पढ़े लिखे हैं डॉक्टर हैं, एक मारती दो मारती, यहाँ एक पैक खत्म होता दो पैक खत्म होती, तीन ज्यादा पैकेट के ऊपर जाता हिसाब। अंदर खुद को जला लेना, समझ में आ रहा, तो ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है। तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर लिए तो इंशाल्लाह कभी भी आपको कौन सी बीमारी भी अटैक नहीं करेंगी, समझ में आ रहा। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, हमारे दोस्त आए हुए हैं अभी माशाल्लाह जी, कहाँ से आए? मोहम्मद मोइन पाशा गुलबर्गा से, माशाल्लाह जी। बोलो कैसी है तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। जनवरी के लास्ट वीक में 12.6 था मेरा क्रिएटिनिन, हां फरवरी के फर्स्ट वीक में 9.6 हुआ, हां 15 दिन के बाद 7.5 हुआ, हां आज फिर वक्त था 4.0 माशाल्लाह आपको। हाँ बोलो बोलो, अकीम साहब की दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं से अल्हम्दुलिल्लाह आपको शिफा दे रहा, अल्लाह कामयाब करे, उनको तरक्की दे अल्हम्दुलिल्लाह, सेहता भी दे अल्हम्दुलिल्लाह। आप कुछ टाइम लेके आए थे शायद नहीं डॉक्टर के पास? कुछ के दूसरे दिन से हम डायलिसिस करो बोला था, हां मेरे को उसी दूसरे दिन जिस दिन बताया मैं फरवरी के फर्स्ट को, हां तो दूसरे दिन ही आप पिस्तौला डाल के डायलिसिस शुरू करो बोले, हां मैं बोला मेरे 8 दिन का टाइम दो, 4 दिन का टाइम दो, हकीम साहब से मिलता हूं, उसके बाद इंशाल्लाह क्या होगा, नहीं आपकी दवा लेके शुरू करा दोनों की, तो ये अब ये नतीजे पे आ गया अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। पत्थर चाट जो जख्म है हयात पत्ता भी दो बने आने, कंटिन्यू रोज दो नारवे, माशाल्लाह माशाल्लाह, उससे भी अल्लाह ताला को शिफा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, जो जख्म है हयात हकीम साहब भी बताइए अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसकी वजह से ही अब यहाँ बैठ चुका हूँ। मैंने तो बेड पे डेढ़ महीना बेड पे था, अल्लाह खाना भी नहीं, खाना भी नहीं खा सकता था। अच्छा जी, उल्टियाँ ऐसे मुतनिया कोई घंटा उल्टियाँ थे क्या? उल्टियाँ और सर मतले पूरे ये मतले निकले से था ऐसे मुतनिया होते थे। अच्छा जी, हाँ जब से आपकी और वो दवाएं शुरू हो गई कैसा है आई अब कैसा है? 5 टाइम नमाज के बाद 2-2 घुट पे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बना ली मत, हाँ हाँ के साथ ही 2 घुट और में 2-4 घुट ऐसा करके आधा होता फिर दूसरे दिन आधा कल। अच्छा माशाल्लाह, आधा लीटर एक दिन में आधा लीटर एक दिन में एक लीटर का। हमारे उस्ताद आपको शायद मेरी मौलवी है ना अब्दुल गफूर साहब। अच्छा जी, हैदराबाद वाले बड़े बहन है। अच्छा जी माशाल्लाह, दूसरा 14 महीना है अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मिल रहे हैं आप माशाल्लाह, क्या प्रॉब्लम क्या थी सो? कैंसर का? अच्छा टेस्ट कराए आप? क्यूर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, आप दवाई की जरूरत नहीं है आपको माशाल्लाह, हाँ 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 जरूरत नहीं है इंशाल्लाह, ठीक है ना, ठीक है ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छी बात है, अच्छा जी ठीक है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे उस्ताद हैं अब्दुल गफूर साहब हैदराबाद के, माशाल्लाह बहुत सारे कॉलेज में जाकर मेडिकल कॉलेजेस में उन्होंने इलम जो है लोगों में बांटते तो बढ़ रहा अल्हम्दुलिल्लाह। उनके जो है साले साहब आके ट्रीटमेंट लिया अल्हम्दुलिल्लाह, दिल से दुआ दे रही हैं, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट उन्होंने अल्लाह के ऊपर भरोसा करे, भरोसा करे, दिमाग को ठंडा रखे और जो रूल्स को बोले उसे फॉलो करे। अगर डायलिसिस को चढ़ जाते तो बहुत बुरी और ख़तरनाक हाल हो जाता, अल्लाह का एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, मेरा फ़ोन नंबर 9900-666-495-7795-4141-39 8197041411। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।